जरा ये समझते हैं कि ये आंकड़े जो हैं वो दिखाने वाले ज्यादा हैं या छिपाने वाले ज्यादा हैं। लेकिन पहले आतिशी के पास जाना चाहूंगा, रिपोर्ट सर्व तो कर दी गई थी दिल्ली गवर्नमेंट को आतिशी जी? देखिए, ये रिपोर्ट लिखी किसने है ये हम सवाल उठा रहे हैं। आपने रिपोर्ट के कमेटी में कौन कौन है, मैं आग्रह करूंगी आप मीडिया चैनल वाले हैं सबसे एक एक मेंबर से बात जरूर करिएगा। वो सब आज ये कह रहे हैं, भल्ला साहब भी हैं, भल्ला साहब मना कर रहे हैं कि उन्होंने सिग्नेचर नहीं किए। हमारे द्वारा ये रिपोर्ट नहीं लिखी गई है, नहीं अप्रूव करी गई है। ये रिपोर्ट भाजपा के हेडक्वार्टर में लिखी गई है, क्योंकि आप गलत कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। आप सुन लीजिए, नहीं आप सुन लीजिए एक सेकेंड। नहीं, मैं सेंट्रल भाजपा से केंद्र सरकार पे इल्जाम लगा रही हूं मैं कि उन्होंने गलत रिपोर्ट, नॉट साइंड बाय एक्सपर्ट्स, जो बिल्कुल झूठी रिपोर्ट है, ऐसी रिपोर्ट को सबमिट किया है जो उस कमिटी की रिपोर्ट है ही नहीं। क्योंकि आप ये छोड़, आप भी याद करिए, आप ये सवाल उठा रहे हैं, मेंबरान के पास जाकर उनसे कहना चाहिए कि आपके नाम पर एक झूठी रिपोर्ट दी जा रही है और कहा जा रहा है कि आपके सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, आप चलिए सामने बताइए जाकर कि नहीं है रिपोर्ट। आप कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, मैं आपको इस बात पे याद करा देती हूँ कि ऐसा कहा जा रहा है कि 295 मेट्रिक टन की जरूरत है। जिस दिन दिल्ली को 400 मेट्रिक टन मिला है उस तारीख को याद करिए कि दिल्ली में कितनी अफरा तफरी थी। आप वो दिन याद करिए कि अस्पताल ट्विटर पर आके कह रहे थे कि एक घंटे की ऑक्सीजन है हमारे पास, दो घंटे की ऑक्सीजन है हमारे यहाँ पे, आईसीयू पे मरीज का हाल वैसा नहीं था, यूपी का हाल वैसा नहीं था, क्या एमपी का हाल वैसा नहीं था, कहाँ का नहीं था। 400 मेट्रिक टन, 500 मेट्रिक टन भी दिल्ली के लिए पर्याप्त नहीं था। दूसरी बात ये भी समझिए कि उस समय दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट 35% से ज्यादा था। इसका मतलब ये है कि तीन में से एक व्यक्ति पॉजिटिव था। तो जो लोग अस्पताल में आ रहे थे, देखिए मैं इसके फौरन बाद आप ही के पास आ रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ, आ रहा हूँ मैम, आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। मैं आपको वो नजारा याद होगा कि वहाँ पे किस तरह से लोगों की लाइन लग रही थी। तो ये सबको नजारा याद है, कोविड ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होम आइसोलेशन कहना चाहूंगी, किसको याद नहीं है, और हम तो यही थे उस वक्त, तो हमने सबने देखा है, ये सबको याद है। लेकिन बात ये है कि कोर्ट में ये जो रिपोर्ट दी गई है, क्या वो ये गलत बता रही है कि ये जो डिमांड रखी गई सामने वो गलत रखी गई? मैं आपके पास लौटता हूं, डॉक्टर अरुण मैं आ रहा हूं आपके पास, इशारा देख रहा था, माफ कीजिएगा थोड़ा सा विलंब हो रहा है, लेकिन शाजिया ये भी तो एक सत्य है ना कि जब दिल्ली को यह महसूस हुआ कि उसके पास सरप्लस ऑक्सीजन है, उसने ये कहा कि हमारे पास सरप्लस है ले जाइए, वरना तब भी रख के बैठते ना वो। नहीं, पर आप ये देखिए, जब ये आपको याद है किस तरह की सियासत उस वक्त हो रही थी, केजरीवाल जी क्या क्या कर रहे थे, कितना पैनिक था। मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर नवीन पटनायक जी भी ऐसा करते और खट्टर जी भी ऐसा करते और योगी जी भी ऐसा करते कि जरूरत से चार गुना करते, तो आप सोचिए क्या हालात होते। और क्या आपको लगता है कि हरियाणा के जो मरीज नहीं थे, क्या इस तरह की जो त्राही मची थी वहां नहीं थी? क्या यूपी में मेरे रिश्तेदारों की मौत नहीं हुई है? मैं भी भाव विभोरित हो जाऊं, रोने लगूं और पिटने लगूं कि हाँ मैं अपने यूपी के लिए रो रही हूं? ये उसके बाद नहीं, पूरे देश पर आपदा आई थी और आप लगातार केंद्र सरकार को विलेनाइज कर रहे थे और आप एग्जैजरेट कर रहे थे, और अभी आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि पांचों इस कमेटी में पांचों लोगों के नाम है जिन्होंने डिनाई नहीं किया है। आतिशी के कान में पांचों मेंबर्स ने नहीं कहा कि हमने डिसाइड किया है, नहीं किया है। सुन लीजिए आप, झूठ बोल रही हैं आप। और संबित पात्रा ने कभी नहीं कहा दिल्ली को जरूरत थी, पूरे देश को जरूरत थी, यूपी को जरूरत थी, हरियाणा में आप जानती हैं कि एक 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 माँ की जो बहुत ही यंग उम्र की थी इसलिए उसकी मौत हो गई क्योंकि सिलेंडर नहीं पहुंच पाया। तो क्या खट्टर साहब भी ये करते, एग्जैजरेट करके मांगते? वही तरीका है मांगने का। और ना ही सिर्फ मांगा बल्कि क्या क्या बातें कही गई, किस तरह की गंदी सियासत की गई, ठीक है, सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए, ठीक है। और ठीक है, आप ये कह रही हैं कि जानबूझ के उतना पैनिक क्रिएट किया गया, पैनिक तो सब जगह था, स्थितियां सब जगह खराब थी, लेकिन दिल्ली में ऐसा लग रहा था कि यहीं पर स्थिति खराब है बाकी जगह सही है, इतनी डिमांड की जा रही थी। मैं डॉक्टर अरुण के पास जाना चाहता हूँ, आ रहा हूँ डॉक्टर विवेक, देख रहा हूँ मैं आपके जी। डॉक्टर अरुण, दिनेश जी, कुछ आपके डिस्कशन में दो चार बातें कही थी, मैं एज ए डॉक्टर साइंटिफिकली जवाब देना चाहूंगा जी। आपने मुंबई और दिल्ली को कंपेयर किया कि मुंबई दिल्ली में बराबर नंबर ऑफ केसेस थे पर दिल्ली की ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा थी। उसका रीजन ये था कि मुंबई में नंबर ऑफ केसेस बराबर थे पर मुंबई में नंबर ऑफ बेड्स दिल्ली से 1/4 थे, तो हमेशा रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन के बेड्स के हिसाब से होती है, तो इस हिसाब से दिल्ली की रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली मुंबई से 4 गुना होनी चाहिए थी। एक आपने इसमें संदीप बुद्धि राजा जी का नाम लिया मैक्स हॉस्पिटल के, जो उन्होंने कहा कि ये इसके वन ऑफ द मेंबर्स हैं कमेटी के, अब ये पता नहीं उन्होंने साइन किया कि नहीं है।
पर ये संदीप बुद्धि राजा मैक्स हॉस्पिटल खुद सुप्रीम कोर्ट में गए थे ये कहने कि हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म होने वाली है, ऑक्सीजन दी जाए, तो ये चार गुना सप्लाई कहां से आई। तीसरा, आज मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को पढ़ रहा था, उन्होंने जो रिपोर्ट लिखी थी मुझे नहीं पता किसने रिपोर्ट लिखी है। अरुण, उन्होंने मैक्स के संदर्भ में नहीं दी ना ये रिपोर्ट, पूरी दिल्ली के संदर्भ में दी है। नहीं बस जी, अगर ये संदीप बुद्धि राजा उस कमेटी के एक मेंबर है और ये मेंबर खुद जाता है सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन नहीं मिल रही और यहाँ ये कहते हैं चार गुना सप्लाई हो रही है, कैसे हो सकता है। दूसरा, इस रिपोर्ट को मैं पढ़ रहा था तो उसमें एक कई लाइन लिखी थी कि जो नॉन आईसीयू बेड्स में उन्होंने 50% बेड्स को कैलकुलेट किया ऑक्सीजन के साथ। मैं साइंटिफिक बता रहा हूं आपको, इस वेव में हर आदमी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट। हमारे पास दिल्ली में 5000 बेड आखिरी में खाली थे पर हमको इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पा रहे थे, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी। तो जो प्रोजेक्टेड डिमांड थी मैं 800 थी, 900 थी, 1100 थी। ले पा रहा हूं मैं आपकी, आप सिर्फ बोलती हुई नजर आ रही हैं। प्लीज मैं आऊंगा आपके पास शाजिया, प्लीज सुन लीजिए बाकियों को भी सुन लीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप पॉइंट्स नोट कर लीजिए ना प्लीज। हां, बात पूरी कीजिए। मैं एज ए डॉक्टर आपको पॉइंट बता रहा था, आखिरी बात जो मैं कह रहा हूं कि चलो 300 थी 400 थी कमी तो थी, हमने देखा है 289 तो ऑब्वियसली नहीं थी रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, पर जो 900 मांगी 1000 मांगी तो कैसे मांगते हैं हम लोग। दो तरह से मांगी जाती है, एक तो हमारे पास बेड्स खाली थे, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था और लोग रोड्स पे परेशान थे। तो आप प्रोजेक्टेड डिमांड होती है आपकी। दूसरा, जब आपका ग्राफ बढ़ रहा होता है तो आप अगले हफ्ते 10-15 दिन की कैलकुलेट करके डिमांड करते हो, ऐसा नहीं कि आज मेरे पास पेशेंट भागे तो मैं ऑक्सीजन लेने जाऊंगा। तो आप हमेशा एक हफ्ता 10 दिन डिमांड लेके चलते हो, तो हो सकता है प्रोजेक्टेड डिमांड उनकी 1000 हो गया या 900, पर जिस दिन 700 मेट्रिक टन एक ही दिन मिली सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से उस दिन दिल्ली कंफर्टेबल थी, पर हम ऑब्वियसली 380 पे 400 पे कंफर्टेबल नहीं थे। हमारे को नहीं, तो उस समय की सिचुएशन में साथ क्या मैं ये मतलब निकालूं कि दिल्ली गवर्नमेंट ने उस समय जो कहा उसने अपनी प्रोजेक्टेड डिमांड को देखकर कहा, और प्रोजेक्टेड डिमांड कई सारी चीजों पर होती है और उसमें एक हिस्सा आपको अजम्पशन का भी रखना पड़ेगा और इसलिए वो ज्यादा हो सकती है, क्या ये मतलब निकालूं मैं इसका? नहीं नहीं, देखो दिनेश, देखो ये अजम्पशन नहीं होता, ये साइंटिफिक कैलकुलेशंस होते हैं। जब उस समय हमारे को आज की डेट में अगर मुझे 700 मेट्रिक टन चाहिए डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड, पर मेरे पास 5000 बेड खाली भी पड़े हैं जो एडमिट नहीं कर पा रहा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, आपने दो बातें कही। डॉक्टर साहब आपने कहा कि दिल्ली और मुंबई में अगर बेड्स के हिसाब से आप देखें तो वहां 1/4 है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि बेड्स की इतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी होने के बावजूद मुख्यमंत्री कई जगहों पर जा रहे थे जहां स्वयंसेवी संगठन वहां पर कई हजार बिस्तरों वाले उसका उद्घाटन कर रहे थे फैसिलिटी का, उसके बावजूद जरूरत पड़ रही थी क्या उतने ज्यादा बेड्स होने के बावजूद? नंबर एक। नंबर दो, ये उस समय फिर भर्ती वाली सिचुएशन देखनी पड़ेगी, बेड्स के साथ कितने लोग भर्ती हुए और उस भर्ती में सीवियर कितने थे, किसको कितनी जरूरत, फिर इस तरीके से अगर जाएंगे तो ये कैलकुलेशन बहुत बारीक होता जाएगा। नहीं, ये पर दैट इज द वे यू कैलकुलेट इट एक्चुअली। अगर आप देखो, अगर आप लोग सड़कों पे घूम रहे हैं और घर में पड़े हैं और इसलिए एडमिट नहीं हो पा रहे कि ऑक्सीजन नहीं मिले, लोग मरे हैं घरों में, इसमें कोई डिनाई कर सकते तो आप ऑक्सीजन तो मांगोगे ना भाई। अगर दिल्ली सरकार को तो आप ये कह रहे हैं कि सर अस्पतालों को नहीं घरों को भी इसमें कंसिडर किया जाए, घरों में भी जहां सिलेंडर चाहिए बाकी जगह वो इसलिए घरों में लेटे थे कि ऑक्सीजन के उनके बेड नहीं मिल रहे थे और हमारे पास दिल्ली में सरकार में बेड खाली थे। पॉइंट आपने ये महत्वपूर्ण बोला डॉक्टर विवेक, इसमें कुछ ऐड करेंगे। डॉक्टर विवेक आ रहा हूँ, शाजी आ रहा हूँ, प्लीज आ रहा हूँ मैम, इसके फौरन बाद आ रहा हूँ, प्रॉमिस आ रहा हूँ। डॉक्टर विवेक बात पूरी कीजिए। मैं सुन रहा था सारी बातें, मैं थोड़ा सा इसमें अलग बात करना चाहता हूँ। देखिए, ये बात तो सही है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, पूरे दिल्ली में थी, लेकिन अगर जब पूरे देश में त्राही त्राही मची हुई है और अवेलेबिलिटी नहीं है तो एक कैलकुलेशन से ज्यादा मांगना मैं सही नहीं समझता, क्योंकि उससे अदरवाइज पैनिक हो जाता है सेंटर की, किसको दें किसको नहीं दें। अब जहां तक ये बात है कि कैसे तय होगा सर कि ये अब हद से ज्यादा हो गया, नॉन आईसीयू बेड्स की, मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, नॉन आईसीयू बेड्स में भी ऑक्सीजन की जरूरत थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उतनी नहीं थी। जैसे कि हमारा 15 लीटर पर चल रहा है, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन चल रहा है, फुल ऑक्सीजन फ्लो है, तो आईसीयू बेड में ज्यादा होती है। जो जनरल वार्ड बेड्स होते हैं उसमें 2 लीटर 5 लीटर पे हमारे अपोलो में भी मेंटेन हो रहे थे। तो ये कैलकुलेशन अगर उन्होंने आईसीयू के हिसाब से किया है तो इतना गलत कैलकुलेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरी बात यह है कि प्रोजेक्शन, ये हमारे पास कल इतनी ज्यादा जरूरत हो जाएगी, उसको इतना ज्यादा मांग लेना कि सेंटर पैनिक में आ जाए और ये कहे कि हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, हमको 1200 की जरूरत है, हमें केवल 400 मिली है, वो सही नहीं है, मेरे हिसाब से सही नहीं है। खास करके जब होल कंट्री इज इन पैंडेमिक, अगर आप केवल दिल्ली होता पैनिक में, ठीक है, इसलिए इसको इस रिपोर्ट में कहा गया डॉक्टर विवेक कि इसमें 12 राज्यों में अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हुई होगी, ये जो डिमांड कर दी गई। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।